प्रणाम भ्राताश्री। कहाँ है वो दुष्ट मेरा बैरी मेरा विरोधी? भाभी श्री को देने गया है, वह इस उत्सव में आना ही नहीं चाहती थी, परंतु प्रहलाद चाहता है कि उसकी माता भी इस अनुपम दृश्य को देखे। अभी उन्हें लेकर आता ही होगा। सिंगिका, उसकी मृत्यु अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक। इस बार वो बचना नहीं चाहिए। नहीं बचेगा भ्राताश्री, आज आप अग्नि की लपटों का अद्भुत खेल देखेंगे। वही अग्नि जो मेरे शरीर को छू भी ना पाएगी। देखते ही देखते उसकी लपलपाती जीभ प्रहलाद के शरीर को चाट जाएगी। कुछ ही पलों में उसकी कोमल काया को राख में परिवर्तित कर देगी और वायु के झोंके उस राख को उड़ा ले जाएंगे। महारानी का याद हो, युवराज आह्लाद और राजकुमार प्रहलाद पधार रहे हैं। अरे दोस्तों, ये होली की कहानी है। हिरण्यकश्यप जब भगवान से वरदान मांगा तो वो ना मर सकता था, कुछ ना हो सकता था। उसका ही वो खुद को महान कहने लगा और भगवान से भी ऊपर कहने लगा। ये तो दंत कथा है, और फिर हम लोगों ने दंत कथा को हकीकत में बदला दिया। तो चलो कोई बात नहीं, दंतकथा ही सुनते हैं, मजा आती है। लेकिन जो भी त्यौहार हम करते हैं, फिर वो होली हो, फिर वो किसी गौरी की पूजा हो, हमारे भारत में बड़े मजा से अलग अलग दंतकथाएँ लिखी गई, फिर वो भगवान बनाया गया और सबको बनाया गया और उसी को सच्ची मानने लगे, तो कहानी के पीछे कुछ राज है। लेकिन मजा आती है, हर घर में होली होती है और हर आदमी को लगता है कि होली खेलना चाहिए, और होली के गाने भी बहुत अच्छे होते हैं। तो होली तो ऐसी कहानी है, ये भारत का एक सिंबल है, ये भारत देश की एक कहानी है। तो चलो, हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को मारने के लिए, भक्त प्रहलाद को मारने के लिए, इस जमाने में भी ऐसे कई बाप हैं, कई राजकारणी लोग हैं जो पापों से भरे हुए हैं, लेकिन जो पाप करता है उसी का अंत होता है। तो आज हिरण्यकश्यप की कहानी के साथ में। माती, मैं आपके चरण छूकर संसार के मातृत्व के चरण छू रहा हूं। संसार की सारी माताएं पूज्य है, मुझे आशीर्वाद दीजिए माती। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। चिरंजीवी भव पुत्र। No matter how you say it, it's a top online learning destination with thousands of courses. वो घड़ी आ ही गई पुत्र, जिसकी तुम बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे, मेरे भी जीवन की अनमोल घड़ी, तुम्हारे जीवन की अद्भुत घड़ी पुत्र। जो भी इस चमत्कार को देखेगा वो नहीं पाएगा,
और जो भी इस चमत्कार की चर्चा सुनेगा सिहर उठेगा। रहते महाप्रलय तक आज की इस प्रदर्शनी की चर्चा रहेगी। चलो पुत्र। होलिका जो हिरण्यकश्यप की बहन थी और उसमें एक ताकत थी कि वो जल नहीं सकती थी, खुद के बच्चे को प्रहलाद क्यों भगवान की पूजा करता है करके अपने बहन को होलिका को बुलाकर गोद में प्रहलाद ने जला रही है। लेकिन दोस्तों पापी का अंत होता है, वैसे ही प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। प्रवेश करने जा रहा है, ये देखकर मैं आपके नारायण को सावधान करने गई, तो वो स्वयं अग्नि में तप रहे हैं, मानो उनके शरीर से ज्वालाएं निकल रही हैं। आप बहुत दयालु हैं माते, ममता का भंडार है। प्रहलाद के स्नेह ने तो आपको सब कुछ भुला दिया। क्या भुला दिया? यही माते, इस अवस्था में आपको इन्हें छूना नहीं चाहिए था। आपको तो याद ही होगा माते, इसी प्रकार इसी अवस्था में एक बार कयाधु ने पुत्र प्रहलाद को छू लिया था, उसके तो हाथ भी जल गए थे। हाँ, मैं तो सचमुच व्याकुलता में भूल ही गई थी। माते, पुत्र प्रहलाद को जो मैंने योग ज्ञान दिया था वह मेरे नारायण की ही तो देन थी। जब उसे इस अवस्था में कोई नहीं छू सकता तो मेरे नारायण तो योगेश्वर है, योग का स्रोत है, योग का आधार है, योग के आदि और अंत है, स्वयं योग है। इस अवस्था में तो आपके अतिरिक्त उनके कोई निकट भी नहीं पहुंच सकता। परंतु हे देवर्षि, मैं तो इनको प्रहलाद पर आए संकट के विषय में बताना चाहती थी। वही समस्या लेकर तो मैं भी आया था माते, मैं भी यही बताना चाहता था। परंतु नारायण को इस अवस्था में देखकर लगता है कि मुझे मेरी समस्या का समाधान मिल गया, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। माते, मेरी तो सारी शंकाएं मिट गईं। नारायण नारायण। भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम्हें भय तो नहीं लग रहा है? कैसा भय दुआशी, मुझे तो आनंद आ रहा है। जैसे जैसे लपटे मेरी और बढ़ रही है, मुझे विचित्र सी शीतलता का अनुभव हो रहा है। लग रहा है जैसे शीतल जल की लहरें मेरे शरीर को छू रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते
भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय दरबार में होलिका दहन की गई और भक्त प्रहलाद बज गया और जो होलिका थी वो जल गई तो पापियों का इस तरह ही अंत होता है। ये कहानी पुरानी कहानी है लेकिन इस कहानी को संसार में इसी तरह से रूप दिया जाता है। होलिका दहन होलिका जल गई, काफ़ी लोग ऐसे ही जलते हैं और बुराई जलती है और अच्छाई नया जन्म लेती है। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका खुद जलने लगी, कुछ पानी डालने के बाद में भी वो बच नहीं सकी, मौत की खाक हो गई। विष्णु भगवान ने होलिका का ध्यान किया, वरदान दिया था, ये कैसे हो गया? और वरदान भी काम में नहीं आता। इस परस से वो खुद छोड़िएगा। मिस्टर और मिसेस कुमार रोजमर्रा की लाइफ में सबसे पहले इंश्योरेंस करते हैं। ये कहानी थी भक्त प्रहलाद की। ये दंतकथा है लेकिन खुशियों का त्यौहार है। हम इस त्यौहार को बड़े खुशी से बांटते हैं। तो दोस्तों आओ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। प्राचीन काल में एक अत्याचारी राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया कि संसार का कोई भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य उसे ना मार सके, ना ही वह रात में मरे, ना ही दिन में, ना पृथ्वी पर और ना आकाश में, ना घर में और ना बाहर मरे, यहाँ तक कि कोई शस्त्र भी उसे ना मार पाए। ऐसा वरदान पाकर हिरण्यकश्यप खुद को भगवान मानने लगा और वह चाहता था
कि हर कोई भगवान विष्णु की तरह उसकी पूजा किया करे। वहीं अपने पिता के आदेश का पालन ना करते हुए हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद ने उसकी पूजा करने से इनकार कर दिया और उसकी जगह भगवान विष्णु की पूजा करना शुरू कर दिया। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और उस पर भगवान विष्णु की असीम कृपा थी। अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की आराधना करता देखकर नाराज होने की वजह से हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को कई सजाएं दी जिनसे वह प्रभावित नहीं हुआ। इसके बाद हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका ने मिलकर एक योजना बनाई कि वह प्रहलाद के साथ एक चिता पर बैठेगी। होलिका के पास एक ऐसा कपड़ा था जिसे ओढ़ने के बाद उसे आग में किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता था। दूसरी तरफ प्रहलाद के पास खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं था। जैसे ही आग जली वैसे ही भगवान विष्णु की कृपा से होलिका का वह कपड़ा उड़कर प्रहलाद के ऊपर चला गया और इस तरह प्रहलाद की जान बच गई और उसकी जगह होलिका उस आग में जल गई। यही कारण है कि होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। होलिका दहन के दिन एक पवित्र अग्नि जलाई जाती है जिसमें सभी तरह की बुराई अहंकार और नकारात्मकता को जलाया जाता है और उसके अगले दिन हम अपने प्रियजनों को रंग लगाकर त्योहार की शुभकामनाएं देते हैं और इसके साथ ही नाच गाने और स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ इस पर्व का मजा लेते हैं। दोस्तों, आप सभी को होली के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं होली पर निबंध। होली ये हमारे भारत का त्योहार है। अब भाई धर्म के नाम से कोई लोग कहते हैं हिंदू का त्योहार है, तो भारत में सभी लोग रहते हैं तो त्योहार तो सभी का होता है। ये प्रमुख त्योहार है और पूरे दुनिया में जहाँ भी भारतीय लोग हैं वहाँ होली मनाते हैं। होली ये मार्च महीने में आता है और फागुनी पूर्णिमा में आता है, फिर बोधक में भी पूर्णिमा मनाई जाती है। हर पूर्णिमा आज सुखदायी पूर्णिमा होती है। होली ये भारत का हिंदुओं का त्यौहार है। हर धर्म के लोग होली मनाते हैं जिसे रंगों का त्यौहार कहते हैं। एक रंग भरा जाता है, हर घर में खुशियाँ होती है, खाने के पदार्थ होते हैं, पूरन पूरी होती है और मीठे भजे अपने हर पदार्थ में। होली हर साल फागुन मार्च महीने में आती है, तारीख बदलती है लेकिन मार्च महीने में भी आने की कोशिश करती है और मार्च महीने में आती है। हर घर में सुख और दुख लाती है, तो दुख को बाहर करते हुए, ठंडी को नष्ट करते हुए होली सुखों में गर्मी में आती है। दोस्तों, होली के पीछे पुरानी कहानी है, तो ना हरम कश्यप हुआ ना कुछ हुआ, ये दंत कथा है, तो भी ये दंत कथा सुनने में हमें मजा आती है। विभिन्न प्रकार के रंगों के साथ में मनाई जाती है। इससे मना करने के कारण बहुत सारे दुकानदार लोग जो बेचारे छोटे मोटे व्यापार करते हैं उनका बहुत बड़ा फायदा होता है और इस फायदे से वो साल भर खुशियाँ मनाते हैं, बड़ा कलरफुल रहता है। आजकल तो राजकारण में भी जीतते हैं तो होली के समान त्यौहार होता है।
अब उत्तर प्रदेश में भी होली के समान खेला गया। तो जो खेलते हैं उनकी खुशियाँ होती हैं, और जो रंगों का बिजनेस करते हैं उनकी भी खुशियाँ होती हैं। कुछ भी रहे, हमारे भारत देश में हर पूर्णिमा रहे, हर अमावस्या रहे, हर दिन रहे, नई नई कहानियाँ हैं, और इस कहानी के साथ में भारत चलता है। इसी का नाम भारत है। भारत का नाम बदलते जा रहा है, भारत का नाम बदलते जा रहा है। यहाँ भी रंगों की शांति होती है, रंगों के साथ में बदल रहा है। अब धर्म धर्म में बहुत सारी एक में पर बुराइयाँ हो रही है, लेकिन होली एक ऐसा त्यौहार है जहाँ सभी को आनंद आता है। कम से कम बहुत कम लोग होली नहीं खेलते, लेकिन कम से कम गाने सुनते हैं और उस गाने में बड़ी मजा आती है। ये त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन घरों में की तरह में हर तरह से पकवान बनाए जाते हैं। बड़े मीठे पकवान होते हैं, बोंडे बोलते हैं, मीठे पकवान होली की होती है त्यौहार। लोग आपस में गले लगाकर मिलते हैं, हर धर्म में गले लगाकर मिलते हैं। अगर मुसलमान धर्म हो तो उसमें भी गले लगाने का कोशिश है, लेकिन हर किसी पर रंग बनाने से बड़ी मजा आती है, और रंगों का त्यौहार है होली। तो प्यारे दोस्तों, इस त्यौहार में खुशियाँ मनाओ। पूरे भारत में छुट्टी होती है, आज के तारीख पर होली दहन किया जाता है। इसका ये भी अर्थ है नए जमाने में कि जो गंदगी है और जो पत्तियाँ गिरती है उन्हें एक साथ जमा कर कर उन्हें जला डालो, गंदेपन को जलाओ और अच्छेपन को लाओ। यही धार्मिकता है और यही फागुन महीने की राज है। होली हमने मनाना चाहिए। होली यानी गांव में जितनी भी हर गली में गिरे हुए पत्थर, गिरी हुई लकड़ियाँ, गिरी हुई पत्तियाँ और कुछ खराब कपड़े और कुछ गंदी बातें उठाकर दहन किया जाता है। हर गली में होली होती है, हर गली में होली के दिन किसी के ऊपर अगर पानी फेंको तो वो नाराज नहीं होता, कलर लगाओ तो नाराज नहीं होता। लेकिन दोस्तों, कायदा बोलता है, बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि होली खेलने के पहले किसी को बोलो कि मैं आपको कलर लगा सकता हूँ या नहीं। अगर वो खुशी से लगाना चाहता है तो कलर लगाओ, अन्यथा कायदे में कलर लगाना नहीं आता। बहुत सारे गलियों में होली में बदला लेते हैं, होली में गुस्सा करते हैं, एक मेक का मार धड़न भी करते हैं। इस तरह से होली में आपको हिरण्यकश्यप नहीं होना है, आपको भक्त प्रहलाद के समान में शांति के साथ में होना है। होली दहन नहीं होना है। होली अगर दहन करते हो, किसी पर गुस्सा करते हो, तो इतना ध्यान में रखो, वो गुस्सा आप में ही आएगा और आप ही जल जाओगे। गुस्से से आदमी जलता है, इसलिए शांति से जियो, होली के गीत गाओ और मनोरंजन करते हुए इस गीत को समझने का कोशिश करो। हिरण्यकश्यप नाम का एक आसुर था और वो भगवान विष्णु का विरोध करता था। उसकी एक दुष्ट बहन थी, उस बहन का नाम होलिया थी, होली, जिसका नाम होलिका था। कश्यप के पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु को बहुत ही प्रेम करता था और भगवान विष्णु की गुस्सा हिरण्यकश्यप करता था। उसको ब्रह्मा से ये ताकत हुई थी कि उसको कोई मार नहीं सकेगा और वो मर भी नहीं सकता, लेकिन विष्णु खुद के बाप की पूजा नहीं करता था। भक्त प्रहलाद ये भगवान विष्णु का बहुत बड़े भक्त थे, इसी कारण कश्यप ने अपनी बहन होलिका को
अपने पुत्र को मारने के लिए भरे दरबार में अपने औरत के सामने यानी भक्त प्रहलाद की माता के सामने और पूरे दरबार में जलाने का प्रयत्न किया। कई बार प्रहलाद को बहुत तकलीफ हुई। आज भी हमारे समाज में कई प्रहलाद है जिन्हें अनेक प्रकार की तकलीफ होती है, उन्हें मारने के लिए प्रयत्न किया जाता है, लेकिन सच्चाई का अंत नहीं होता दोस्तों, सच्चाई का फायदा होता है। तो कश्यप ने, हिरण्यकश्यप ने अपने बहन के जरिए से अपने खुद के बच्चे को, प्रहलाद को मारने के लिए होलिका रचा दिया और होलिका को मालूम था कि उसके तरफ जो कपड़ा था वो कपड़े से वो जल नहीं सकती थी, उसको वरदान था। पहले जमाने में वरदान था, आजकल तो वरदान बड़े कठिन काम है। उसके बाद होलिका ने भरे दरबार में भक्त प्रहलाद को यानी अपने भांजे को जलाने के लिए, पूरा नष्ट करने के लिए हिरण्यकश्यप की बातें सुनकर चीता में बैठ गई। लेकिन उधर भगवान विष्णु और उनकी पत्नी भक्त प्रहलाद का आशीर्वाद के साथ में आशीर्वाद देती है और होलिका की वो जो कपड़ा था जिससे वो किसी को भी जला सकती थी, खुद बच सकती थी, उसको वरदान था और वो कपड़ा विष्णु भगवान के कारण प्रहलाद के ऊपर आ गया और खुद होलिका जलकर खाक हो गई। तब हिरण्यकश्यप ने बहुत सारा पानी अपने मंत्र से होलिका पर लाया, लेकिन ज्वाला इतनी खतरनाक थी कि होलिका जलकर भस्म हो गई। इसी त्यौहार की कहानी है होलिका, और इसी त्यौहार की कहानी के साथ में हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित महत्वपूर्ण जो रंग बचपन लौटाए वो रंग अच्छे हैं, सर्फ एक्सेल। तो आइए होली के कुछ गीतों के साथ में हम भी होली के कुछ गीतों की कहानी सुनते हैं और कुछ गाते सुनते हैं। आओ मन जाओ फादर हाउस, ये ऐसा केंद्र है जहाँ हर बातें का आपको आनंद मिलता है। तो फादर हाउस के साथ में फादर हाउस, तो फादर होम, हम कहीं भी रहे आपके साथ है, आपके गानों के साथ में है। तो आइए होली होली Thank you.
नदियाँ चाहे भीगे रे चोली, आजकल तो दोस्तों अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी और रेखा की कहानी सबको मालूम है। इस संसार में भी अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी और रेखा है तो थोड़ा रेखा को संभाल के रखो और अपनी जया को पसंद करो। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे किन्ने मारी पिचकारी, तोरी भीगी अंगिया हो, रंग रसिया रंग रसिया हो। अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे खाए गोरी का यार बलम तरसे, रंग बरसे ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे
प्यारे दोस्तों, बॉलीवुड में भी होली है। हमारी बॉलीवुड की होली तो इतने गाने हो गए हैं कि हर घर में रेखा है, संजीव कुमार है, संजीव कुमार भी है और रेखा है, और एक घर में जया भादुड़ी है और अमिताभ बच्चन है। लेकिन कुछ रेखा है अपने पति को छोड़कर दूसरे के पति की तरफ देखती है, और यही होली दहन है। इसको भी हमने नहीं भूलना चाहिए। हमारे पास में थोड़ा सा पैसा आ गया तो कुछ औरतें हमारे पीछे दौड़ती है। राजकारण में भी ऐसा है, राजकीय लोगों के पीछे पूरे संसार में औरतों का राजकारण है। औरत आगे बढ़ाती है और औरत आगे घटाती भी है, तो यही होली है। ना रेखा बनो जया के साथ में, अभिता के साथ में प्रेम हर घर में वो जोड़ पे होना चाहिए, जहाँ जया भादुड़ी अमिताभ बच्चन हो। हर घर में वो जोड़ पे होना चाहिए जहाँ बाबा साहब हो, जहाँ रमाबाई हो। हर घर में वो जोड़ पे होना चाहिए जहाँ महात्मा फूले हो, जहाँ सावित्री बाई हो। हर घर में वो जोड़ पे होना चाहिए जहाँ भगवान बुद्ध हो, यशोधरा हो। हर घर में वो जोड़ पे होना चाहिए जहाँ सच्चिदानंद फुलेकर हो और विद्या फुलेकर हो। तो आओ दोस्त, इस रेखा को दूर करते हुए होली दहन के साथ में अमिताभ के साथ लौंगा इलाची का बीड़ा लगाया पर चब गोरी का यार बलम तरसे रंग पर से भैया होली तो अपने बीबी के साथ में खेलो, दूसरे के बीबी की तरफ में बुराई से मत देखो। बदलते गया जमाना, हजारों साल हो गए, हजारों साल नरगिस अपने बहन रूप पर रोती रही। बड़े मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा, होली वो चीज है। तो भाई राजकुमार आ गया, तो राजकुमार तो किस तरह से आवाज निकालेगा। चलो डॉक्टर फुलेकर आपके साथ में है। अरे हो, मैं वो होली को बिल्कुल नहीं खेलता, मैं होली को पसंद भी नहीं करता। होली तो बहुत मुझे बुरी लगती है। मैं राजकुमार हूँ, राजकुमार रहूंगा। चलो राजेश खन्ना की भी होली टीना मुनीम के साथ में देखते हैं। Udemy. No matter how you say it, it's a top online learning destination with thousands of courses. Udemy can help you start a new career. Or just learn something new. What have you always wanted to learn? तो राजेश खन्ना की साली टीना मुनीम के साथ में Thank you.
होली के दिल में दिल खिल जाते हैं, धर्मेंद्र के साथ में हेमा मालिनी के गाने। होली के संग में 1975 में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की जोड़ी जम गई और आज भी टिकती है, दोनों खासदार बन गए। होली के दिन में दिल खिलते हैं, खिल जाते हैं। शोले, शोले पिक्चर का ये गाना है। दोस्तों, राजकारणी लोग तो बहुत होली खेलते हैं। होली खेलते खेलते लालू प्रसाद जेल में चला गया, तो ये तो धर्मेंद्र की होली है, ये तो हेमा मालिनी की होली है, दोनों खासदार बन गए। और उसका लड़का भी सनी देओल खासदार बन गया और होली खेलते हैं। अमिताभ बच्चन भी खासदार बन गए और उसकी मिसेज भी खासदार बन गई, रेखा भी खासदार बन गई, तो हेमा मालिनी भी खासदार बन गई। हेमा मालिनी तो आज भी भरतनाट्यम नाचती है। हमारे गडकरी जी नागपुर में हेमा मालिनी को बुलाते हैं, अपन भी दोस्तों फादर हाउस में हेमा मालिनी जी के साथ में अगली होली खेलेंगे, इलेक्शन की होली। इधर धर्मेंद्र हेमा मालिनी की जोड़ी है और उधर अमिताभ बच्चन खासदार और हेमा मालिनी होली खेले है रंगोवीरा के साथ में गाने बजते हैं। होली के दिन में, प्यारे दोस्तों, होली के दिन में कुछ लोग भंग भी डालते हैं और भंग के साथ में नशा भी लेते हैं। नशा उतने ही लोग जो प्रेम से हो, अपने घर में ही नशा है उसी में प्रेम करो। चलो आओ, रंग से मिल जाए रंग, अरे होली खेले रघुवीरा
जुड़े रहने के लिए
चंचल है तेरे नैना, देखो ना देखो ना तेरे लौटाएं वो रंग अच्छे हैं सर्फ एक्सेल। बॉलीवुड की बोली राज कपूर के ज़माने से चल रही है, पद्मिनी कोल्हापुर से ज़माने तक आ गई है। अभी तो बलम पिचकारी ये नए नए कलाकार भी आ गए हैं, ऋषि कपूर के बाद में उनका लड़का आ गया, तो चलो वो भी गाने चला गया।
अक्षय कुमार दीपिका की होली, उसके साथ भी शाहरुख कोई कम नहीं है। शाहरुख के भी यहाँ होली होती है, सलमान खान के भी यहाँ होली। जो रंग बचपन लौटाए वो रंग अच्छे हैं, सर्फ एक्सेल। अमिताभ बच्चन एक ऐसा कलाकार है जो होली को रंग लाता है। दोस्तों आज तो गुड़ तो आ रहे और फिर कल यार बहुत सारी मटन खाते हैं और बहुत दारू पीते हैं लोग। होली में तो दारू और मटन चलती है, तो यार थोड़ा कम करो, नहीं तो राजेश खन्ना के समान हालत होती है। दोस्तों चलो आज होली की कहानी भी समझ गए और होली के गाने भी समझ गए। हर घर में खुशी हो, हर घर में आनंद हो, होली का दिन है, धर्मेंद्र और हेमा के समान काम हो, हर घर में खुशी हो, हमारा भी आशीर्वाद आपके साथ में है। हम भी इस त्योहार में रंग गए हैं गानों के साथ में, उम्र ढलती है इन हंसी बहारों के साथ में। दोस्तों होली आती रहेगी, हर पत्तियां सुबह होती है,
दोपहर होती है, शाम होती है और झड़ जाती है पीली पत्तियाँ, उसी समान हम लोगों का भी आशीर्वाद आपके साथ में है जो बच्चे पेपर देते हैं होली में। मैं भी दसवीं में था, मेरा बाप चिल्लाता था अरे होली का पेपर है, मैथ का पेपर था, 78 की बात है दोस्तों, 76 की, मैं दसवीं में था लेकिन होली थी। मैंने बोला धर्र ओ होली है, होली के दिन में तो मजा आता है। दुनिया की सबसे सुपरहिट जोड़ी हेमा मालिनी खासदार, हेमा मालिनी खासदार धर्मेंद्र और खासदार अमिताभ बच्चन, ये तो पूरी दुनिया की कहानी है। चलो इनका भी गीत सुनकर आपको शुभकामना देता हूँ फादर हाउस से। फादर हाउस एक रंगीत मजाक के हर आपको अभ्यास कराएगा और हर घर में शांति लाएगी फादर हाउस के साथ में। दोस्तों अब तो इलेक्शन की होली आएगी और जीत हार तो होती रहती है, हार जीत होती रहती है, तो दोस्तों गले में लगकर होली खेलेंगे हमारे वार्डों में, हमारे गांव में, हमारे भंडारा जिले में, हमारे महाराष्ट्र में और हमारे विदर्भ में भी और हमारे पूरे देश में। तो यार बेबी देखो यहाँ पे अगर आवाज लगाते ना तो आवाज वापस आती है। अच्छा हाँ बेबी मैं बुजुर्गों ने फरमाया के पैरों पे अपने खड़े हो के दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। जमाने के सुरताल के साथ चलते चले जाओ, फिर हर तराना तुम्हारा फसाना तुम्हारा है। अरे तो लो भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लिया, ये जहां देख कर अपनी चाल। पग घुंगरू बांध मेरा नाची, पग घुंगरू बांध मेरा नाची थी, नाची थी, नाची थी, नाची थी, हा के पग घुंगरू बांध मेरा नाची थी। एक हमारा साथी वो भी था जिस देश में गंगा बहती है, राज कपूर के साथ।
दोस्तों जरा ए भाई जरा देख के चलो। Press the bell icon on YouTube app and never miss an update. ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं। दोस्तों होली के साथ में आपका साथी, हर सुबह का साथी डॉक्टर संग्राम लेकर हर विजेता ही खुलेगा। होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारा विजेता परिवार, हमारा प्रेकर परिवार, हमारा कुमारी नगर, आम्बेडकर नगर, गौतम नगर और सभी पूरे तुम सर के लिए होली की शुभकामना के साथ में मैं आपको आशीर्वाद